दोस्तों, हमारा शरीर एक मशीन की तरह है, जिसे अगर टाइम टू टाइम साफ ना किया जाए तो ये खराब हो सकता है। आपकी एक बुरी आदत आपके शरीर को अंदर ही अंदर खराब कर रही है। आपको अंदाजा भी नहीं होगा आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है और एक किस तरह से आप अपने शरीर को बिगाड़ रहे हो। बिना किसी बुरी लत और नशे के भी लोग अपने शरीर को अंदर से खोखला कर रहे हैं। बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि वह इतना कुछ खाते हैं फिर भी मोटे नहीं होते, और जो मोटे होते हैं वो ताकतवर नहीं होते। ऐसा दोस्तों इसलिए क्योंकि आपका शरीर अंदर से गंदा है और इस वजह से बार बार आप बीमार होते हैं। इस तरह से अगर अपने शरीर को नजरअंदाज करेंगे तो भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे वो कौन सी आदतें हैं आपकी जिनकी वजह से आपका शरीर लगातार गंदा होता जा रहा है और किस तरह से आप अपने शरीर को स्वच्छ कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे शरीर को साफ करने के तरीके। दोस्तों, जब आपका शरीर साफ सुथरा हो जाएगा ना तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक पहुंचाकर उनका भी भला कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, कई लोग चेहरे के दाग और धब्बों से काफी परेशान रहते हैं और आपको पता ही होगा कि ये सब स्किन प्रॉब्लम तो है, साथ ही आपके शरीर की गंदगी की वजह से भी ऐसा होता है। शरीर की गंदगी के साफ होते ही आप अच्छा महसूस तो करेंगे, साथ ही आपके चेहरे पर एक अलग तरह का ग्लो देखने को मिलेगा और आपकी पर्सनैलिटी भी काफी अट्रैक्टिव हो जाती है। लेकिन शरीर को साफ रखने के लिए क्या करना पड़ता है, क्योंकि आपने तो पढ़ा ही होगा कि शराब और सिगरेट के नशे, तंबाकू और गुटखे के नशे करने से ही शरीर खराब होता है और जंक फूड खाने से भी शरीर को बीमारियां लगती हैं। लेकिन अगर आप ये सब नहीं भी खाते तब भी आपका शरीर अंदर से गंदा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह गंदगी आपको आपके रोजाना खाने वाले खानों से ही मिलती है। अब यह सवाल है कि आखिर गंदगी लगती कैसे, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप जो खाना खाते हैं उसको पाचन करने में हमारा शरीर कितना वक्त लगाता है? शायद नहीं पता होगा। फल को पचाने में हमारे शरीर को 3 घंटे का समय लगता है और सब्जियों को पचाने में लगभग 6 घंटे। वहीं इंसान जो चीज बनाता है या उगाता है, जैसे कि अनाज, दाल, चावल, दूध, मैदा, सोयाबीन, ये सभी खाद्य पदार्थ या इनसे जो भी बनते हैं, उन्हें पचाने में हमारे शरीर को 18 घंटे का समय लगता है, लगभग आधे से भी ज्यादा दिन। जरा सोचिए कि एक दिन में आपने एक पैकेट चिप्स खाया जिसे पचाने में 18 घंटे लगेंगे और हम 3 घंटे बाद फिर से एक और चिप्स का पैकेट खोलकर उसे खा लेते हैं। हमारे पेट में पहले से ही एक चिप्स के पैकेट का पाचन चल रहा होता है और हम एक और खा लेते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि जंक फूड ज्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनको पचाने में हमारे शरीर में बहुत वक्त लगता है। अब जरा सोच कर देखिए कि आपको क्या खाना चाहिए। अगर शरीर में मौजूद पहले से ही गया हुआ खाना अभी तक पचा नहीं है तो हमारे दोबारा खाने से खाना उसके अंदर जमा हो जाएगा और इसलिए कई बार आपको पेट में दर्द की शिकायत भी होती है, जिसे आम भाषा में हम लोग गैस कहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे शरीर में गंदगी 3 जगह पर जाकर जमती है। सबसे पहले खाने की नली में, यानी जहाँ से हम खाना खाते हैं उस नली में सबसे पहले जमती है, उसके बाद पेट में जाकर ये गंदगी जमती है और तीसरा हमारी आंतों में जाकर जमती है। अगर ये गंदगी ज्यादा देर तक जमी रही तो यह पूरे शरीर में फैल जाती है और बाकी के अंगों को भी नुकसान पहुंचाती है। इसका नुकसान बाद में किडनी, फेफड़े, दिल, इन सब महत्वपूर्ण अंगों पर होता है और अंत में ये व्यक्ति के खून को भी दूषित कर देती है। जब खून पूरी तरह से गंदा हो जाता है तो हमारे शरीर में कमजोरी आना शुरू हो जाती है और हम बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि शरीर के अंदर की गंदगी को साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यह गंदगी हमारे खाने से हमारे शरीर में जा रही है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आखिर हम क्या खा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि अपने शरीर की गंदगी को दूर कैसे किया जाए तो उसका जवाब देने से पहले आइए आपको समझा देते हैं हमारे शरीर के पाचन तंत्र या फिर हमारा खाना जाता कैसे है और किस तरह से हमारे शरीर के अंग काम करते हैं। दोस्तों, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना हमारे मुंह से होते हुए आहार नली से गुजरते हुए पेट तक पहुंचता है और पेट के बाद छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत में खाने की छटनी होती है और सारे पोषक तत्व खाने से निकलने के बाद वेस्ट को छोटी आंत और बड़ी आंत में ट्रांसफर कर देते हैं, जहां से यह गुदा के रास्ते बाहर निकल जाता है। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि शरीर में खाने के जमने की वजह से पेट में कीड़े हो जाते हैं। आपने कई बार लोगों को पेट के कीड़े होने की शिकायत करते हुए सुना होगा, लेकिन वह कीड़े उन्हें बाहर से तो नहीं मिलते बल्कि उनके अंदर ही पेट में पैदा होते हैं। जहां कीड़े होंगे वहां पर गैस की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी।
वहीं जब यह गंदगी खून के जरिए बाकी शरीर के अंगों तक पहुंचती है तो उन अंगों को भी खराब करती है, जैसे कि दिल। दिल में अगर गंदगी जम जाती है तो इसकी नली में फंस जाती है, तो दिल की धड़कन कम होनी शुरू हो जाती है क्योंकि ये गंदगी दिल की नली में फंस जाती है। दोस्तों, आप जानकर हैरान होंगी कि यह गंदगी आपके शरीर में आपको इतना नुकसान पहुंचा सकती है कि एक जगह इकट्ठा होकर कैंसर भी बना देती है। दोस्तों, शरीर को बाहरी रूप से साफ सुथरा रखने पर हम बहुत तवज्जो देते हैं और ध्यान देते हैं, उसी तरह से अगर हम अपने अंदर की गंदगी को भी साफ करें तो इन दिक्कतों से, इन परेशानियों से और बीमारियों से बचा जा सकता है। शरीर को साफ करने के लिए आपको विशेष तौर पर दो तरीके अपनाने चाहिए। सबसे पहला, अपने खान पान पर ध्यान रखकर कि आखिर आप क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं, उस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। दूसरा तरीका है अपने शरीर के अंदर की गंदगी को दूर करना। अब शरीर को कैसे साफ किया जाएगा, उसके भी हम कई तरीके अपना सकते हैं। दोस्तों, जब हम अपने शरीर के अंदर पड़े हुए खाने के पचने से पहले ही दूसरा खाना डाल देते हैं तो उससे ये होता है कि हमारा खाना शरीर के अंदर जम कर सड़ने लगता है। इसलिए पहले भोजन की जब तक पाचन क्रिया पूरी ना हो हमें दूसरा कोई भोजन नहीं खाना चाहिए। इसके लिए हमें लगभग 16 घंटे की फास्टिंग करनी बहुत जरूरी है। साथ ही आप सुबह सवेरे एक गिलास नींबू पानी, नारियल पानी या फिर कोई भी सब्जी का सूप पी सकते हैं या फिर फलों का जूस भी पी सकते हैं। ऐसा करने से आपका जो शरीर है उसमें पानी की कमी नहीं होगी और दूसरा, पानी के जरिए पाचन की क्रिया आसानी से हो जाती है। दोस्तों, हमारे शरीर के अंग पाचन क्रिया के बाद जमे खाने को साफ करने का काम भी करते हैं, लेकिन जब तक शरीर में पहले वाला भोजन जमा रहेगा तब तक शरीर कोई नई प्रक्रिया नहीं करेगा। इसलिए हमें खुद ही अपने शरीर को साफ करने की कोशिश करनी चाहिए। रात में जल्दी सोने से भी आपके पाचन क्रिया में आसानी होती है और आपका शरीर साफ होता है, क्योंकि शरीर सबसे ज्यादा पाचन क्रिया का काम रात को करता है। अगर आप जल्दी सोएंगे और पूरी नींद लेंगे तो आपके शरीर में ही पाचन क्रिया बहुत ही सही तरीके से और अच्छी तरीके से होगी। हमारे शरीर के सभी अंग हमारे शरीर के अंदर होने वाली हर क्रिया को जानते और पहचानते हैं, हर बीमारी से लड़ते भी हैं और हमारे शरीर को साफ भी रखते हैं, लेकिन उन अंगों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, तभी ये अंग सही ढंग से काम कर पाएंगे। अब सवाल यह आता है कि हमारे शरीर की सफाई करता कौन है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारा शरीर सेल्स से बना हुआ है या एक तरह का बैक्टीरिया होता है। अगर आप लोग इस तरह से अपने शरीर की देखभाल करेंगे तो आपका शरीर साफ सुथरा अंदर से भी रहेगा और बाहर से भी आपको अच्छा महसूस होगा, और आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो वो अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, शरीर को कैसे स्वच्छ रखना है वो तो हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हम डाइट में क्या क्या खाना चाहिए। डाइट में आप सुबह सवेरे एक तो कुछ लिक्विड में जरूर रखें, आप जूस पी सकते हैं, आप और जूस में आप लौकी के जूस को भी रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। लौकी का जूस हमारे शरीर के अंदर की गंदगी को बहुत ही तेजी से बाहर निकालता है। इसका असर आपको एक हफ्ते के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको नाश्ते में 500 ग्राम से 700 ग्राम फ्रूट जरूर रखने चाहिए। आप चाहें तो एक तरह का फ्रूट खा सकते हैं और दो तरह के फ्रूट भी खा सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी फ्रूट को अपने डाइट में जरूर ऐड कीजिएगा। यह फल हमारे शरीर की गंदगी को मिटाने में बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों, लंच में आपको सलाद जरूर रखना चाहिए और बाकी जो भी आप लंच में खाते हैं वो खा सकते हैं। आपके लंच में आपको सबसे पहले सलाद खानी है और फिर आप अपना खाना खा सकते हैं। इस तरह से रात को खाने में आपको सबसे पहले सलाद खानी और उसके बाद जो भी खाना घर में बना है या जो भी आप खाते हैं रेगुलर, बस वही खा सकते हैं। दिन में एक दो बार अगर आपका मन कर गया तो आप जंक फूड खा सकते हैं, और अगर हो सके तो खाना खाने के बाद गुड़ खाना मत भूलिएगा, क्योंकि गुड़ शरीर की गंदगी को साफ करने के लिए बहुत हेल्दी माना जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से अपने शरीर को आप स्वच्छ रख सकते हैं, साफ सुथरा रख सकते हैं, क्योंकि बाहरी सुंदरता के साथ साथ शरीर का अंदर से भी सुंदर और स्वच्छ होना जरूरी है। जब आपका शरीर अंदर से स्वच्छ और सुंदर होगा तो इसका असर आपको बाहरी शरीर पर भी देखने को मिलेगा। आपकी स्किन ग्लो करने लग जाएगी और आप स्वस्थ और अच्छा महसूस करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।